हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जनरल बेसिस की रीडिंग रहने वाली है। सो जनरल बेसिस पे गाइस आज चेक करने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपके रिलेशन में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर अगर अपने आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, अगर आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पर्सन की एनर्जीज हैं, तो इस टाइम पर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, आपको लेकर एंड थर्ड पर्सन को लेकर। सो आप दोनों की ही एनर्जीज को गाइस मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन टाइम पर राइट नाउ की एनर्जीज में आपको लेकर क्या कुछ करंटली फीलिंग्स रखते हैं, क्या कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, एंड थर्ड पर्सन की एनर्जीज को भी चेक करेंगे। सो गाइस जनरल बेसिस की रीडिंग है, आपके साथ में जो रीडिंग है वो रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सो गाइस जनरली देखिएगा, अगर आपके साथ में मैच करती है तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे। मेल है, फीमेल है, एंड किसी भी एज के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेती हूँ। इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज के साथ में, आपके जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या कुछ आ रही है सबसे पहले आपको लेकर, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें गाइस ओम नमः शिवाय, जय माता दी, एंड पॉजिटिव होकर देखें हर रीडिंग को, सो डैट आपके लाइफ में आप जो है पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को जो है रिसीव कर पाए। सो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। आपके पर्सन की एनर्जीज, अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के नेम के बारे में सोचें गाइस, एंड कमेंट में जरूर लिखें अपने और अपने पर्सन के नेम्स, सो डैट आपके साथ में जो एनर्जीज है वो कनेक्ट कर सकूँ मैं। ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ, सो लवली एनर्जी। सबसे पहले ही मेरे पास में जो एनर्जी इस टाइम पर आ रही है वो एक लविंग एनर्जी, एक लविंग वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दे रही है गाइस। बहुत खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप भी देख पा रहे होगे। एक मुझे कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में एक रियूनियन एनर्जीज दिख रही है, यानी कि आज की जो रीडिंग है उसमें बाकी की एनर्जीज हम आगे ही चेक करेंगे, बट इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर मुझे गुड साइन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है यूनिवर्स से, कि बहुत जल्द जिस किसी के साथ में जो रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज मुझे जो है हाई जाती हुई नजर आ रही है, हाईली पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक गुड अंडरस्टैंडिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं इस टाइम पर जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शेयर करना चाहते हैं। सो एनर्जीज मेरे पास में, सबसे फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर माइनर अरकाना से टू ऑफ कप्स की एनर्जीज, रेस्ट ऑफ द एनर्जीज को ले लेते हैं गाइज। आपके पर्सन की करंटली फीलिंग आपको लेकर, ओके, सो टू ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो फोर ऑफ सोर्ड्स। सो मेरे पास में सबसे पहले जो एनर्जीज आए गए वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों का जो रिलेशन है पास्ट में भी कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत रिलेशन था, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं ना कहीं पर्सन, जो भी पर्सन है आपके, इस टाइम पर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत केयरिंग पर्सन मुझे इस टाइम पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। साथ में ये पर्सन आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, और बहुत कुछ है इन पर्सन के मन में आपको लेकर डीपली फीलिंग, जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ट्रूली फीलिंग्स हैं। कि कहीं ना कहीं मुझे रिस्पेक्ट नज़र आ रही है यहाँ पर, केयर नज़र आ रही है, बट उसके बावजूद इस टाइम पर ये पर्सन आखिर सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में क्यों है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कहीं ना कहीं मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस। आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जो है टेंशन कर रहे हो अपने रिलेशन के लिए, कहीं ना कहीं चिंता हो रही है आपको फ्यूचर के बारे में, आप बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर मैं देख रही हूँ आप टेंशन कर रहे हो, फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो उस टाइम पर, क्योंकि ऐसी एनर्जी मिल रही है कि इस टाइम पर आपके जो पर्सन भी है कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं, वो पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में उनका फ्यूचर हो, बट उसके बावजूद ये पर्सन इस टाइम पर या पिछले बीच से कुछ टाइम पर मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके लिए जो है कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, या फिर कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं, या फिर आप लोग के बीच में कोई ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिसके चलते पर्सन आपसे जो कुछ भी कहना चाह रहे थे, या फिर जो कुछ भी चीज़ें आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज तक ये पर्सन जो है नहीं शेयर कर पाए, जिसको लेकर मुझे लग रहा है पर्सन अब टेंशन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन को इस टाइम पर ना जो मुझे आप एनर्जीज मिल रही है बहुत ज़्यादा इन बातों को लेकर सैड एनर्जीज आ रही है कि आखिर जो कुछ भी इस टाइम पर फील कर रहे हैं आपको लेकर,
वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों ये पर्सन आपसे फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं कि शायद किसी चीज़ को लेकर, या तो ये पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशन में जिसको लेकर शायद ये पर्सन को किसी बात की कोई शर्मिंदगी है, या फिर किसी बात को लेकर ये पर्सन इस टाइम पर मुझे हेजिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहना तो चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो भी बात है, जो भी फीलिंग है इन पर्सन के मन में, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ, आपके अलावा शायद कोई ऐसे पर्सन स्टैम्प पर नहीं नज़र आ रहे हैं इन पर्सन को, जिससे अपनी मन की फीलिंग को ये पर्सन कह सके। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्टैम्प पर अपने मन में ना कहीं ना कहीं खुद से ही प्रॉमिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ में, अगर आपसे डिस्टेंसेस में आ गए हैं, आपसे इनकी दूरियाँ हो गई हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या किसी आर्ग्यूमेंट के चलते, या फिर हो सकता है बिना किसी बात पे, किसी छोटी मोटी बात पर जो है ये पर्सन आपसे दुखी हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, या फिर आप इनसे जो है नाराज़ हो गए हो, और उसके बाद आप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है जिसमें आप ही चाहते हो, और कहीं ना कहीं पर्सन भी चाहते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्द से जल्द जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन भी इस टाइम पर इस नो कॉन्टेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ के साथ कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं। सो यहाँ पर फाइनली एनर्जीज मेरे पास में निकल कर आ रही है फोर ऑफ सोर्ड्स की, जो मुझे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये पर्सन जो है इस टाइम पर जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पोजीशन में है, फिर जिस भी प्लेस में है, उससे आपकी तरफ मुझे कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ गाइस इन पर्सन की, जो भी है, तो इस टाइम पर ये बोट में, जो भी पर्सन है इस टाइम पर एक बोट में बैठकर जो है अपने उस प्लेस पर मुझे वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर ये जाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं पर्सन इस टाइम पर आपके पास कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। और अगर आप लोग के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत जल्द जो है आपके साथ में किसी अनब्लॉक सिचुएशन में आ सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर आप ऐसी भी क्या सिचुएशन है इसमें पर्सन इतना कुछ आपको लेकर फील तो कर रहे हैं बट आपसे शेयर नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन जो है आपसे जो कुछ भी शेयर करना चाहते थे, कहीं ना कहीं और लंबे समय तक ये पर्सन अब अपने मन की बातों को जो है मन में नहीं रख पाएंगे। कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा ही पर्सन याद करते हैं इस टाइम पर। हो सकता है इन पर्सन का जो करियर है या फिर जो भी वर्क है, कहीं ना कहीं पर्सन उसमें जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, फिर फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं चीज़ों में पर्सन स्टैम्प पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन का पूरा ध्यान जो है स्टैम्प पर आपकी तरफ है। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कम बैक हो सकते हैं, या फिर आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं, या फिर आपको कोई जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो कोई ना कोई क्लैरिटी बहुत जल्द ये पर्सन आपको देने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो अगर इन पर्सन की गाइस लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो उनके लिए मैं एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन नहीं है गाइस, तो यही थी आपके पर्सन की एनर्जीज, किस टाइम पर वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। सो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो उनके लिए एनर्जीज को हम चेक करेंगे। पर्सन प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही गाइस मुझे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, एंड प्लीज़ कॉल ना करें रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग। सो क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सबसे पहले अगर ये पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इस टाइम पर मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज नज़र आ रही है, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में है, किसी फ्रेंड के साथ है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ में है, तो मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसा फेस चल रहा है इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ में जब इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं इन पर्सन को करनी पड़ रही है, और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही है, फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ में हो सकता है इस टाइम पर इनकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, थर्ड पर्सन की बातों को कहीं ना कहीं इस टाइम पर पर्सन ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद थर्ड पर्सन इस टाइम पर इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में मुझे ठीक से बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। साथ में कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल आपके पर्सन जो है इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर, कोई अपनी ऐसी फीलिंग जो थर्ड पर्सन के बारे में इस टाइम पर ये पर्सन महसूस कर रहे हैं वो आपसे भी शेयर करना चाहते हैं, फिर शायद किसी थर्ड पर्सन से इन पर्सन ने अपनी फीलिंग को शेयर भी किया कि आखिर ये जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं आखिर ऐसी क्या बात है जो बहुत ज़्यादा ये पर्सन
महसूस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर, बट उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, फिर शायद शेयर नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पर। कोई ऐसी बात है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है मेरे पास में, जो मुझे बता रही है कि कोई हेल्प जो है आपके पर्सन की तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है किसी थर्ड पर्सन सिचुएशन में। सो यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ फाइव ऑफ कप्स के लिए। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन के लिए, जो फाइव कप्स की एनर्जीज है गाइस, उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन यहाँ पर लेना चाहूँगी। ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट रिसेप्टिविटी कॉन्शियसनेस द मास्टर। सो इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से द मास्टर की एनर्जी से मुझे शो हो रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन की लाइफ में अगर ये पर्सन इस टाइम पर है तो मुझे लग रहा है द मास्टर सिचुएशन में आकर ये पर्सन या तो थर्ड पर्सन के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर थर्ड पर्सन के ऊपर जो है गुस्सा हो रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसी बात ये पर्सन इस टाइम पर जान चुके हैं या फिर फ्यूचर में बहुत जल्द जान जाएंगे, जिसके जानने के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अलोन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है थर्ड पर्सन की तरफ से जो इन पर्सन ने सोचा भी नहीं था या फिर जो कुछ इन पर्सन ने जो है एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके साथ जो है इनके सामने आ रही, जिसको जानने के बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन मोमेंट टू मोमेंट कहीं ना कहीं डाउन सिचुएशन में आते हुए नजर आए, यानी कि थर्ड पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस टाइम पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं इस टाइम पर चल रही हैं थर्ड पर्सन को लेकर। सो यहाँ पर गाइस ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं इस टाइम पर आपके पर्सन की। आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। पर्सन प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे कॉन्टेक्ट करें। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।